दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि लक्ष्मी मना करती हुई नजर आने वाली है ऋषि से कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है जरूरी नहीं कि वो किसी भी तरीका से विक्रांत को अच्छी लगे। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय विक्रांत के बारे में भी ठीक समझती हुई नजर आ रही है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का मानना यह है कि हम विक्रांत के लिए ही सब कुछ करेंगे, क्योंकि अब विक्रांत हमारे होने वाले पति हैं। दोस्तों, वहीं पर बात की जाए ऋषि की, तो ऋषि बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो क्या नहीं, मुझे विक्रांत की घंटा भी नहीं पड़ी और ना ही मेरा विक्रांत के साथ में किसी भी तरीका से कोई भी इक्वेशन है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय ऋषि का साफ साफ बोलना है खुले शब्दों में कि मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूँ वो मैं लक्ष्मी के लिए कर रहा हूँ, ना कि मैं विक्रांत के लिए, क्योंकि मैं विक्रांत को नहीं जानता और ना ही मुझे विक्रांत से कोई लेना देना। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय ऋषि बहुत ही ज़्यादा गर्म मिजाज में भी नजर आ रहा है, और ऋषि का गर्म मिजाज बिल्कुल साफ साफ दर्शत हुआ भी नजर आ रहा है। बात की जाए इस समय ऋषि की, तो ऋषि ने बोल दिया है कि मुझे मलिष्का के साथ में शादी को भी लेकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं फिलहाल तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ और तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। वाकई में दोस्तों, इस समय ऋषि वो चीज़ करने की कोशिश करता हुआ नजर आने वाला है लक्ष्मी के लिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि आने वाली कहानी एक नया दिलचस्प मोड लेकर आ चुकी है। तो वहीं पे मलिष्का का कहना यह है कि अगर ऋषि कुछ ऐसा कर रहा है लक्ष्मी के लिए तो वो सरासर मेरे साथ में नाइंसाफी है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि आने वाला एपिसोड एक नई कहानी और नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से नई कहानी देखने को मिलने वाली है, जब मलिष्का बोलेगी कि ऋषि अब तुम्हारा लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी तुम बार बार क्यों सपोर्ट कर रहे हो इस लक्ष्मी को, और इस लक्ष्मी ने तुमसे क्या कुछ नहीं छीना है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी में आप लोग बहुत बड़े ट्विस्ट देखते हुए नजर आने वाले।